दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई अभिनेता अभिनेत्रा हैं जिन्होंने अपना वजन पहले से काफी कम किया है। तो चलिए आज के इस वीडियो के जरिए हम जानते हैं बॉलीवुड के उन स्टार्स के बारे में जिन्होंने इंडस्ट्री में डेब्यू से पहले अपना वजन काफी ज्यादा कम किया। आपको बता दें कि बॉलीवुड में आने से पहले सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान अपने टीनेज डेज में ओबेसिटी से सफर कर रही थी और इसी के साथ उनका वजन 96 किलो था और वो पीसीओडी की भी पेशेंट थी। आपको बता दें कि अपना वजन कम करने में सारा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इंटेंस वर्कआउट के जरिए, योगा के जरिए, कथक ट्रेनिंग के जरिए उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना दमदार डेब्यू किया। नंबर दो पर बात करते हैं अर्जुन कपूर की। सभी लोग अर्जुन कपूर के ट्रांसफॉर्मेशन से अवेयर हैं। बतौर स्टार उन्होंने शानदार तरीके से इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया। हालांकि जब वो फिल्मों में काम पाना चाह रहे थे तब उनका वजन 140 किलो था जो कि काफी ज्यादा था। इसके बाद सलमान खान ने उन्हें ट्रेन किया और उन्होंने अपना काफी वजन कम कर लिया। आपको बता दें कि अपनी डेब्यू मूवी इश्क गुलज़ारे में वो एकदम फिट नजर आए थे। नंबर तीन पर बात करते हैं आलिया भट्ट की। आलिया भट्ट आज इंडस्ट्री की फिटेस्ट एक्ट्रेस में शुमार है। आपको बता दें कि उन्होंने इंडस्ट्री में डेब्यू करने से पहले अपना काफी वजन कम किया था। आलिया भट्ट 17 साल की थी जब उन्होंने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया और वो 67 किलोज की थी। उन्होंने काफी हार्ड वर्कआउट किया, उन्हें काफी ज्यादा ट्रेन किया गया, स्ट्रिक्ट डाइट उन्होंने फॉलो की ताकि वो अपना वजन कम कर सके। आपको बता दें कि करण जौहर ने उन्हें उनकी डेब्यू मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर से पहले कहा था कि वो अपना वजन कम कर ले तभी उन्हें इंडस्ट्री में चांस मिलेगा। इस लिस्ट में नंबर चार पर हम बात करते हैं करीना कपूर की। करीना कपूर अब भले ही दो बच्चों की माँ बन चुकी और काफी मोटी हो चुकी हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वो 75 kg की भी थी। जी हाँ, इंडस्ट्री में आने से पहले करीना कपूर का वजन 75 kg था, लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री में डेब्यू करने के वक्त अपना वजन काफी कम कर लिया था और वो जीरो फिगर एक्ट्रेस के लिस्ट में भी शुमार हो गई थी। अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भी उन्होंने काफी वजन गेन किया था, लेकिन तैमूर की डिलीवरी के बाद हार्ड वर्कआउट के जरिए उन्होंने अपना वजन कम कर लिया। इस लिस्ट में नंबर पांच पर बात करते हैं फैशन इंस्टा ऑफ बॉलीवुड यानी कि सोनम कपूर की। अपने लुक्स को लेकर सुर्खियों में रहने वाली सोनम कपूर ने भी जब बड़ी स्क्रीन पर अपना डेब्यू किया यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तब उन्होंने योगा और हार्ड वर्कआउट किया ताकि वो अपना वजन कम कर चुके। उस वक्त उन्होंने अपना लगभग 30 किलो वजन इंडस्ट्री में डेब्यू के लिए कम किया था। इस लिस्ट में नंबर छह पर बात करते सोनाक्षी सिन्हा की। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने भी अपना 90 किलो वजन से आधे वजन पर वो आ गई थी। आपको बता दें कि जिस वक्त वो डेब्यू करने वाली थी उस वक्त उनका वजन कम से कम 90 किलो था, लेकिन इसके बाद हार्ड और इंटेंस वर्कआउट के जरिए उन्होंने अपना वजन कम किया। इस लिस्ट में नंबर सात पर बात करते हैं ईशा देओल की। दोस्तों हाल ही में ईशा देओल को वेब सीरीज रुद्रा में देखा गया था जहां उनके लिप सर्जरी को लेकर लोगों ने उनका जमकर मजाक उड़ाया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल भी इंडस्ट्री में डेब्यू से पहले काफी ज्यादा मोटी थी। हालांकि इंडस्ट्री में डेब्यू के बाद उन्होंने अपना वजन कम कर लिया था। उनकी डेब्यू मूवी रही थी कोई मेरे दिल से पूछे। हालांकि उनके मोटापे की वजह से उन्हें जमकर ट्रोल किया गया था, लेकिन इस दौरान उन्होंने काफी वजन कम कर लिया था। इसके बाद उन्होंने काफी हेल्दी डाइट ली, वर्कआउट प्लान्स करे और अपने किलर फिगर में लौट कर आए। इस लिस्ट में अगले नंबर पर हम बात करते हैं जैकी भगनानी की। इंडस्ट्री में डेब्यू से पहले जैकी भगनानी का लगभग 130 किलो वजन हुआ करता था जो कि काफी ज्यादा है। हालांकि अब जैकी भगनानी ने अपना वजन काफी कम कर लिया है और वो इस वक्त काफी ज्यादा हैंडसम नजर आते हैं। इंडस्ट्री में अपने डेब्यू के बाद उनको देख सभी लोग हैरान थे। इस लिस्ट में अगला नाम आता है अध्ययन सुमन का। दिराज एक्टर शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन भी पहले काफी मोटे थे। लगभग उन्होंने इंडस्ट्री में आने के वक्त अपना 35 किलो वजन कम किया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 महीने में। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार्स के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और आपकी क्या राय है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।